नमस्कार, मैं निकी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ चैनल 9 न्यूज में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसे कलाकार के साथ जो कि एक टीवी आर्टिस्ट है और साथ ही उन्होंने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है। तो आइए आज हम मुलाकात करवाती हूँ आपकी सिमरन नाटेकर जी से, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं। सिमरन जी, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की? सो आई स्टार्टेड माई करियर व्हेन आई वाज 6 ईयर्स ओल्ड। मैंने मेरी पहली नो स्मोकिंग ऐड की थी, जो आज भी थिएटर्स में दिखाते हैं। उसके बाद मैंने कई सारी ऐड फिल्म्स की। मैं टेलीविजन में नहीं थी तब, जब मैं छोटी थी। एंड फिर मैंने पहली बार टेलीविजन पे मेरा पहला शो किया, बंधन सात जन्मों का। उसके बाद आफ्टर बंधन सात जन्मों का मैंने किया सब टीवी का शो, दैट वाज तोता वेज मैना। एंड आफ्टर तोता वेज मैना मैंने बालिका वधू किया था एज पूजा। एंड बालिका वधू में मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। एंड ऑल्सो इवन टुडे आज भी लोग मुझे वही नाम से बुलाते हैं, अरे ये पूजा ही है ये पूजा ही है। सो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा था। एंड बालिका वधू के बाद मैंने दावत ऐश किया YRF के साथ, उसमें मैं आदित्य रॉय कपूर की छोटी बहन बनी हुई थी। हाँ, एंड वो भी काफ़ी अच्छा था बिकॉज आदि इज़ वेरी स्वीट, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने अनुपम खेर जी भी थे उसमें और वो भी काफ़ी अच्छे थे, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था। एंड हबीब सर भी थे द डायरेक्टर, वो भी काफ़ी अच्छे थे एंड आई थिंक ही इज़ वेरी स्वीट। एंड आफ्टर दैट मैंने एक रिश्ता साझेदारी क्या किया था, वो था सोनी पे एज तनु। सिमरन, जैसे आपने ये बताया कि आप 6 साल से काम कर रही हैं, तो अभी आप स्टडी कैसे, मतलब कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो अपना लाइक शूटिंग भी, अपना स्टडी भी, कैसे मैनेज कर रहे हो सारी चीज़ें? अब तो मैं मेरी बोर्ड्स देने वाली हूँ, 10th की बोर्ड्स। सो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ तो अब मुझे आदत सी हो गई है, अब मैनेज कर लेती हूँ मैं। वैसे पढ़ाई भी और शूट्स भी दोनों एक साथ हो जाता है। ओके, जैसे आपने बताया कि आप लाइक पहले स्टार्टिंग जो आपने किए थे एक ऐड कॉमर्शियल से किए हैं, उसके बाद आपने टीवी सीरियल किया, उसके बाद आप मूवीज भी कर रही हैं, तो दोनों में कितना फर्क होता है, एक टीवी में काम करना फिर मूवीज में काम करना, दोनों में कितना फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं इसमें? आई थिंक डेली सोप्स में आप एक ही कैरेक्टर और एक ही इमोशन के साथ चलते हो, एंड मूवीज़ में इट इज़ एग्जैक्टली दी अपोजिट। आई मीन आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स टोटली डिफरेंट। करेंटली आप क्या कर रही है, सीरियल कर रही है या फिर कोई मूवीज़ कर रही है? मैं अभी एक कन्नड़ फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है काजल, एंड आई एम प्लेइंग द लीड रोल इन इट। एंड अभी मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ विद TVF। ओके, तो वो जो काजल हैं वो उनका क्या किरदार है उसमें, और ये मूवी कब तक रिलीज हो जाएगी, कुछ आइडिया? आई थिंक मूवी तो अभी हमने 80% ऑफ द फिल्म तो शूट कर ही लिया है, 20% ही बाकी है, तो जैन में रिलीज़ तो करने ही वाले हैं, वो सोच ही रहे हैं जैन में रिलीज़ करने का। एंड काजल, सो बेसिकली वो NRI है, पढ़ी लिखी है, और वो बेसिकली अपने विलेज में आती है, अपने रिलेटिव्स के साथ आती है के लिए, और वहाँ पर उसको हीरो मिलता है, हीरो का नाम है संतोष। सो वहाँ पर वो मिलता है संतोष, ही इज़ नॉट दैट रिच, मतलब ही इज़ मिडिल क्लास है, और फिर भी लेकिन जस्ट बिकॉज उसके एटीट्यूड की वजह से काजल को बहुत ही पसंद आ जाता है। एंड बट मेरी फैमिली अगेंस्ट होती है हमारी शादी के लिए, वो बहुत ही अगेंस्ट होते हैं, एंड देन वैसे ही। ओके, तो जैसे सिमरन आपने इस ये जो मूवी है कन्नड़ा मूवी है करेक्ट, तो इसमें आपको लैंग्वेज में कितनी प्रॉब्लम हुई, कैसे मैनेज करते हो लाइक उनकी लैंग्वेज में, जैसे कि आपने बताया कि आप गुजराती हो, तो कैसे मैनेज करते हो? मैं मतलब मुझे सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, लाइक आपको बकायदा मतलब मुझे एक्चुअली मैं बोलनी पड़ती है लैंग्वेज, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मुझे बैठ के पहले तो मुझे जो ट्रांसलेटर है उसे मुझे बोलना पड़ता है कि आप मुझे एक एक वर्ड का मीनिंग समझा दो, ताकि बहुत ही ईजी होता है, अगर आप एक बार मीनिंग समझ लेते हो ना, इट इज़ वेरी ईजी। सो वैसे मैं कर रही हूँ अभी तो। तो आप फिर कुछ कुछ कन्नड़ा सीख भी गए होंगे लिटिल बिट, लाइक कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं मतलब एक एक सेंटेंस आता है मुझे। हाँ, वो मतलब जरा बोल के दिखाए। हाँ, निन्न के नाच के मान मर्यादे इडियप्पा
क्या क्या इसका मीनिंग है? इसका मतलब है कि आपको मान मर्यादा है या नहीं, जो मुझे मूवी में बोलना है सो। हाँ ओके, तो मतलब काम करने में वहां बहुत मजा आ रहा है। हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट इज अ चैलेंजिंग रोल। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज है, लैंग्वेज है कैरेक्टर तो इट्स इजी, उसमें इजी, प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। बट ओनली द लैंग्वेज। बट आई एम रियली एंजॉयिंग इट। ओके, तो जैसे सिमरन आप शूटिंग पे जब भी जाती हैं तो किसके साथ जाती हैं? आप 2 महीने की 3 महीने की शूटिंग पे बाहर रहती हो तो कहाँ जाती हैं? मतलब मम्मी के साथ जाती हैं, पापा के साथ जाती हैं? मैं हमेशा, मॉम मेरे मेरे साथ ही रहती हैं 24/7, सो मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ शूट्स पे मोस्टली। हम स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सिमरन, टीवी सीरियल आपने इतने सारे किए, तो किसके साथ काम करना आपको ज्यादा, मतलब काम करने में उनके साथ ज्यादा मजा आया कि लाइक आप उनके साथ बार बार काम करना चाहते हैं? मैंने एक रिश्ता साझेदारी का किया था, मैंने आपको बताया, तो उसमें शिव्या पठानिया भी थी द लीड गर्ल, सो मुझे उसके साथ बहुत ही मजा आया। आई थिंक वो हमारा एक्चुअली शो में ही इट वॉज लाइक हम सिस्टर्स हैं, एंड जब हम मिले एंड यू नो वी स्पोक और हमने जब बातें की, एक्चुअल में ऐसा यू नो बॉन्ड आ ही गया वो, मतलब। और उनके साथ बहुत ही मजा आता है। शी इज़ माई फेवरेट को एक्टर, आई कैन से। सिमरन, जैसे बहुत लोग आज एक्टिंग करना चाहते हैं, उस इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या, मतलब कैसे वो इस फील्ड में, जैसे बहुत लोग आज एकेडमी में जाते हैं फिर भी बहुत बहुत टाइम वो वेस्ट करते हैं, लाइक 1 साल 2 साल, तो क्या टिप्स है, लाइक क्या करना चाहिए उनको इस फील्ड में कि जैसे जल्द से जल्द वो इस फील्ड में आए, तो क्या है? मैं तो कभी मतलब अकेडमी में कहीं नहीं गई ही नहीं हूँ। आई थिंक आई कैन से यू जस्ट हैव टू बी नेचुरल। आप जितना नेचुरल रहोगे उतना बेहतर रहेगा, बिकॉज टुडे सबको नेचुरल ही अच्छा लगता है, नेचुरल एक्टिंग जो मिलती नहीं है। अगर आप नेचुरल रहोगे दैट विल बी द बेस्ट। ओके, जैसे आप बचपन से एक्टिंग करते आए हो, तो एक्टिंग के अलावा आपको क्या पसंद है, लाइक घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, और क्या पसंद है, क्या क्या आप करना चाहते हो? आई लव ट्रैवलिंग, डांसिंग, एक्टिंग तो ऑब्वियसली, एंड आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। तो जैसे आप घूमने फिरने के लिए भी जाते होगे, तो मोस्ट ऑफ टाइम लाइक शूटिंग पे रहते हो, तो मॉम के साथ घूमना फिरना, मतलब पूरी फैमिली, आप लास्ट टाइम कब गए थे किला के? हाँ पूरी फैमिली हम साथ में गए हो उस टाइम पे। अभी गोवा जाकर आई, मेरी मॉम का बर्थडे था तो हम पूरी पूरी फैमिली गए थे। तो लाइक टाइम निकाल लेते हो फैमिली के साथ कि हाँ शूटिंग, तो जैसे कैसे मैनेज करते हो? आपने बताया कि आप 10th का बोर्ड दोगे, करेक्ट, तो स्कूल, आप जैसे 2 महीने की शूटिंग पे रहते हो, तो स्कूल वाले मैनेज कर लेते हैं उसके लिए कि हाँ ठीक है ये चीज़ें क्या मैनेज हो जाती है? हो जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर देती हूँ दैट मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगी, एंड बिकॉज आई एम शूटिंग तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ओके, सिमरन, जैसे आजकल ये चल रहा है अपने इसमें इंडस्ट्री में कि मी टू मूवमेंट चल रहा है, तो उसके बारे में क्या है कि वो लड़कियों के लिए कहाँ तक सही है, क्योंकि बहुत लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, तो क्या है इसके बारे में, क्या कहना है? आई थिंक अबाउट मी टू मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी दैट इट इज़ वेरी गुड कि लोग आकर बोल रहे हैं, बिकॉज पहले कोई बोलता नहीं था, एंड अब जब बोल रहे हैं इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से निकाल भी रहे हैं, आई थिंक सो, सो इट्स वेरी गुड। सिमरन, आपने जो एक शो किया था एक रिश्ता साझेदारी का, उसके बाद आपने क्या क्या किया? एक रिश्ता साझेदारी के बाद इमीडिएटली आई गॉट अ फिल्म, अ गुजराती फिल्म एज अ लीड, बेस्ट ऑफ लक लालू। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे उसमें बहुत ही मज़ा आया था, बिकॉज इट्स माई मदर टंग, सो मुझे काफ़ी मज़ा आया था। और बेस्ट ऑफ लक लालू के बाद मैंने किया पहरेदार पिया की, दैट वाज ऑन सोनी टीवी, और पहरेदार पिया की के बाद मैंने किया लाडो 2, विच वाज माई लास्ट शो ऑन कलर्स टीवी। तो जैसे गुजराती मूवी आप किए, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा, तो हाँ। इसका नाम क्या था गुजराती मूवी का, थोड़ा सा कुछ एक उसके डायलॉग्स गुजराती में हमें बोल के बताएं जो आपने किया था, उसमें क्या किरदार था आपका? सो बेसिकली इट वॉज ऑन स्कूल था, एक स्कूल पर था, एक लड़के पे था जिसका नाम है लालू, बेस्ट ऑफ लक लालू इज़ द
नेम ऑफ द मूवी और लड़के पे ही बेस्ड था, लालू उसका नाम. तो लालू बेसिकली बोर्ड्स में होता है, टेंथ में होता है. सो वो दिखाया है कि टेंथ में लोगों को, बच्चों को क्या किस यू नो किस मोड से गुजरना पड़ता है और कितना टेंशन होता है, कितना स्ट्रेस होता है. माँ बाप, कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपको पूरा मतलब आपको स्ट्रेस कर देते हैं कम्प्लीटली और आपको बोलते हैं कि आपको इतना ही परसेंटेज लाना है एंड यू हैव टू डू इट. हाँ, तो वो पूरी उसी पे मूवी थी. और मेरा कैरेक्टर था उसमें, आई वॉज प्लेइंग लालूज गर्लफ्रेंड. ओके. हाँ जी. एंड मेरा नाम था फोरम. एंड फोरम बहुत ही क्यूट, बबली, और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था. लाइक उसको ऐसा ही था कि मतलब 36% आ जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे. तो मैं मूवी में बोलती भी हूँ, मुझे मैंने तो खाली 36 मार्क्स जोइए छे, पास थे गया ने बस, एटू ठीक छे. तो इसमें बहुत ही मजेदार कैरेक्टर रहा, क्योंकि आपका, जैसे आपने बताया, आपका मदर टंग है. हाँ. काम करने में बहुत मजा आया होगा आपको. बहुत ही इजी था, इट वाज वेरी इजी. सिमरन, अभी आप लाइफ में और क्या करना चाहती हो एक्टिंग के अलावा, या फिर एक्टिंग को परस्यू करना चाहते हो? हाँ जी, आई वॉन्ट टू परस्यू एक्टिंग एज माई करियर, वो तो है ही. एंड मुझे यही लाइन में कंटिन्यू करना है बिकॉज नाउ इट्स माई पैशन. अब वो आदत सी हो गई है और अब मैं काम भी नहीं करती ना तो मैं हमेशा सैड रहूंगी और ऐसा सब होता है. सो मुझे एक्टिंग तो करनी ही है कंटिन्यू. एंड आई वॉन्ट टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर हार्डर. मैंने आज तक, अभी तक मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है बहुत सारे लोगों से मिलकर, एंड आगे भी सीखना है. सो या ओके. लास्ट में सिमरन, आप हमारे फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी, कुछ भी, लाइक दो शब्द? मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, बस आप मुझे प्यार देते रहना, और कुछ नहीं. थैंक यू सो मच सिमरन, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा. तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल 9 न्यूज़. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. थैंक यू.